मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो लास्ट वीडियोस पढ़ा था, फोर्थ वीडियो फोर्थ पार्ट पढ़ा था, जो वो फैराडे लॉ पर बेस्ड था हमारा। फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के बारे में हमने बताया, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया। अब आज हम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट सेल्स या बैटरीज के मामले में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअली बैटरीज क्या है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन क्या है, जिनको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज करते हैं, उन सेल्स को हम कॉमर्शियल सेल या बैटरीज बोलते हैं। अब जैसे डेली लाइफ में हम लोग क्या इनका कॉमर्शियलाइजेशन में यूज करते हैं, अब जैसे कि हम लोग रिमोट पे ही हमारा जो सेल पड़ता है वो भी कॉमर्शियल सेल है, प्राइमरी टाइप का सेल है। मोबाइल में जो बैटरी हमारी यूज हो रही है, इन्वर्टर बैटरी है, ये हमारे सेकेंडरी सेल है और ये भी हमारे कॉमर्शियल सेल की ही कैटेगरी में आते हैं। इसके थ्रू प्रॉफिट होता है, हमें ट्रेड किया जाता है, वो सारा हमारा कमर्शियलाइजेशन के प्रॉफिट उसमें फिनोमिना में इनको कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी बैटरी है, आइडियल कमर्शियल सेल है, आइडियल कमर्शियल बैटरी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा कमर्शियल सेल है, अच्छा बैटरी है। हम जो मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कौन सा सेल अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी। पहले तो हम दुकानदार से डिस्कस करते हैं, नेट में सर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो वही आज हम मेन चीज जान लेते हैं कि कोई अगर अच्छा सेल है हमारा, कॉमर्शियल सेल है, इम्पोर्टेंट है, हम उसको यूज कर रहे हैं तो क्यों हम उसको यूज करें, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है कॉमर्शियल सेल की, इट शुड बी इजिली रिचार्जेबल, उसको आसानी से रिचार्ज हो जाना चाहिए। और दूसरी थिंग क्या है, इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग, कि ऐसा नहीं है कि हम उसको रिचार्ज तो आसानी से हो जा रहा है, कोई बात नहीं, नॉर्मल चार्जर से रिचार्ज हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, अब पता चले रिचार्ज भी हो गया, जल्दी से हो गया, लेकिन अब पता चले रिचार्ज हुआ 1 घंटे में और बैटरी रिचार्ज हो गई अगेन उसके 5 मिनट में, तो मेरे लिए उस सेल का कोई भी यूज नहीं है, हम लोगों के लिए उस सेल का कोई भी यूज नहीं है। दैट मीन दूसरी चीज क्या है कि इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए, पता चले लॉन्ग लास्टिंग है। दूसरी चीज क्या है कि ड्यूरिंग द यूज पोटेंशियल शुड नॉट डिक्रीज, यूज करते टाइम उसका पोटेंशियल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया यूज करने का टाइम, तो फिर वो प्रॉपर एसेंशियली उसे इफिशियंसी से काम नहीं करेगा। जैसे कि कार की बैटरी को ले लेते हैं, 12 वोल्ट से स्टार्ट होती है, अगर सपोज देन हम उसमें 12 वोल्ट का पोटेंशियल देना था, तो पोटेंशियल देने के लिए 12 वोल्ट के लिए हम छोटे प्राइमरी सेल जो हमारे आते हैं 1.5 वोल्ट का होता है, तो अगर हम चाहते तो 8 सेल्स हम लोग जोड़ लेते, 12 वोल्ट का पोटेंशियल दे देते और कार स्टार्ट हो जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि प्राइमरी सेल जो हमारा है अगर उसे एकदम से हम पावर ड्रेन करते हैं उसका पोटेंशियल डाउन हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और दैट्स व्हाई हम उसको वहां पर यूज नहीं कर सकते थे। इस वजह से वहां पर बैटरी यूज की, उसका पोटेंशियल तुरंत से डिक्रीज नहीं होता, काफी देर बाद डाउन होता है, जिसको कहते हैं कि बैटरी डाउन हो गई। तो एक्चुअली बैटरी क्या, पूरी उसका वोल्टेज डाउन हो जाता है धीरे धीरे और वो डिक्रीज करने लगती है, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होना चाहिए। दूसरी, इट शुड बी लेस कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हर आदमी के जब बजट में होगा तभी वो परचेज करेगा, अगर बजट से बाहर है तो कोई परचेज नहीं करेगा। दैट मीन इट शुड बी लेस कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, लेस कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है, इजिली ट्रांसपोर्टेबल भी होना चाहिए, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होनी चाहिए, कि मेंटेनेंस कॉस्ट ही उसकी महंगा, सस्ता तो है लेकिन अब उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत महंगा पड़ रहा है तो भी हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है, मेंटेनेंस कम से कम होना चाहिए, कम कॉस्ट होनी चाहिए, और इजिली ट्रांसपोर्टेबल, इतना भारी भी नहीं होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें उसे काफी टाइम लगे, काफी खर्चा लगे, तो छोटा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट सेल की हैं। तो मीन्स पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी इजिली रिचार्जेबल एंड ड्यूरिंग द यूज पोटेंशियल शुड नॉट डिक्रीज, पोटेंशियल शुड नॉट डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है, इट शुड बी लेस कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, एंड इजिली ट्रांसपोर्टेबल, इजिली ट्रांसपोर्टेबल,
इट शुड बी इजली ट्रांसपोर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इट शुड बी स्मॉल साइज, कॉम्पैक्ट एंड लो मेंटेनेंस। और उसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे सेल की जो मेन प्रॉपर्टीज है, किसी भी कॉमर्शियल सेल में अगर ये चीजें हैं तो वो सेल हमारे लिए कॉमर्शियली आइडियल हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे सेल है, यहाँ पर हमको तीन टाइप के बताए गए हैं, प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है और फ्यूल सेल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। ठीक है, तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल हमारे क्या है, ये ऐसे सेल है जो नॉन रिचार्जेबल है, इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, इनमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है केवल एक ही बार होती है और इनसे हमारा जो पोटेंशियल है वो कम टाइम के लिए हमें मिलता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमें ज्यादा पोटेंशियल, लेकिन इनका यूज किस लिए करते हैं, स्टडी पोटेंशियल ऑप्टेन करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हम करते हैं, लेकिन अगर इनको तेजी से यूज किया जाए तो तुरंत से ड्रेन ही हो जाते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन अगर इनका यूज बहुत धीरे धीरे, जैसे वॉचेस में है, धीरे 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 कंटिन्यू चलती है, रिमोट बहुत कम यूज करना होता है हमें कंटिन्यू चल, लेकिन अगर उसको सोचे सेकेंडरी सेल से कन्वर्ट करके रखें तो उसको बार बार हमें रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे आज हमारी जो हैंड वॉचेज आती है रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है, एक टाइम पर, लेकिन सेल डाल लिया तो सालों की फुर्सत हो जाती है ना। तो यही चीजें हैं, तो ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग प्राइमरी सेल, कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, लो वोल्टेज के लिए हम बेसिकली प्राइमरी सेल्स का यूज करते हैं, और ये रिचार्जेबल नहीं होते क्योंकि इनमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है केवल एक ही बार होती है, जैसे हमारा मरकरी सेल है, निकल जिंक मरकरी सेल है, तो ये सब हमारे प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आते हैं, इनका हम यूज करते हैं, तो एक करके देखते हैं। हम बात करते हैं प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरीज नॉन रिचार्जेबल, दे आर नॉन रिचार्जेबल, दे कैन यूज ओनली वन टाइम, इनको केवल हम एक बार यूज कर सकते हैं, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वन टाइम, क्योंकि इनमें रेडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार ही होती है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, दे प्रोवाइड लेस वोल्टेज बट फॉर लॉन्ग टाइम स्टडी वोल्टेज हमें प्रोवाइड करते हैं, जो लंबे समय तक हमें मिलता रहता है लीकेज प्रॉब्लम के लिए। इनमें इनके एग्जांपल है हमारे ड्राई सेल, मर्करी सेल, ये हमारे इनके एग्जांपल है, प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल है। अब हमें देखते हैं, जैसे हमारा है ड्राई सेल, तो ड्राई सेल में क्या होता है कि किस तरह से टिन का, एसएन का टिन का कवर बना होता है या फिर जिंक का कवर बना होता है, इसके अंदर एक पोरस फिल्म का यूज करते हैं और इस पोरस फिल्म और कंटेनर के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट फिल कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें पेस्ट फिल कर दिया जाता है, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड का इसमें पेस्ट फिल कर देते हैं हम लोग, और ये हमारा जो होता है इंटरनल लेयर, ये पोरस पेपर लगा होता है या पोरस फिल्म इसको कह सकते हैं, पोरस पेपर लगा होता है,
अब इसके अंदर एक ग्रेफाइट की रॉड ये पड़ी होती है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है एक्चुअली ये, और इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेसिकली मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर फिल कर दिया जाता है, इसमें पेस्ट फिल कर दिया जाता है। और ये जो हमारा कंटेनर होता है ये जिंक का कंटेनर बना होता है या टिन का ले सकते हैं, और इस तरह से इस सेल को ऊपर से एक इंसुलेटर के थ्रू क्लोज कर दिया जाता है और यहां पर एक मेटल टिप लगा दी जाती है जो एक इलेक्ट्रोड की तरीके इसमें काम करने लगती है। तो दोनों हमारे, एक तो ये मेटल कंटेनर ही हमारा एक इलेक्ट्रोड का काम करता है, मेटल कंटेनर हमारा जो है यहाँ पर, इसका जिंक है कार्बन के कंपेयर में हाईली रिड्यूसिंग है तो ये एनोड का काम करता है, दैट मीन इसका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो ये एनोड का काम करता है, और इस पर ये मीन्स निगेटिव टर्मिनल का काम करता है हमारा। और जो ग्रेफाइट टिप होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल दैट मीन कैथोड का काम करता है हमारा, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप का सेल होता है। तो ये हमारा ड्राई सेल होता है, क्या होता है हमारा ड्राई सेल, इसमें एक पोरस कंटेनर जिंक का होता है, इसके अंदर एक पोरस फिल्म लगाई जाती है, पोरस पेपर लगाया जाता है, किस लिए लगाई जाती है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन के जो मिक्सचर होता है पेस्ट होता है उसको अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से सेपरेट करने के लिए हम पोरस पॉट लगाते हैं, पोरस कंटेनर और पोरस फिल्म लगाते हैं, जिससे कि इन दोनों के बीच में आयनिक ट्रांसफर आसानी से होता रहता है। अब एक बात आती है कि अमोनियम क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड क्यों लेते हैं, क्योंकि जिंक क्लोराइड क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड का जब काफी दिन तक रहेगा तो इससे अमोनिया का रिलीज, अमोनिया रिलीज होगी, प्रोडक्शन होगा, तो उस अमोनिया के रिलीज को बचाने के लिए यहाँ पर जिंक क्लोराइड लिया जाता है। इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई जिंक क्लोराइड इज एडेड इन ड्राई सेल्स, तो ये क्या करता है सेल को लीकेज से बचाता है, अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनिया का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की वजह से क्या करता है अमोनिया गैस जब नहीं निकलेगी तो सेल लीक नहीं करता, तो सेल को लीक प्रूफ बनाने के लिए जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है, यह सेल को लीक होने से बचाता है, से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो यह था जिंक क्लोराइड का यूज, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था व्हाई जिंक क्लोराइड इज यूज्ड इन द ड्राई सेल, तो उसका यह है कि ड्राई सेल में जो हमारा जिंक क्लोराइड है वो अमोनिया गैस के रिलीजिंग को बचाता है, मीन्स कह सकते हैं सीधे प्रिवेंट फ्रॉम द लीकेज ऑफ द सेल, वन वर्ड में इसका आंसर। अब यहां पर जो रिएक्शन होती है एनोड और कैथोड पर, तो एनोड मींस जिंक पर क्या हो रहा था, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तो जिंक कंटेनर हमारा जो है वो सीधे चेंज हो जाता है जेडन टू प्लस में और प्लस टू इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। वहीं पर कैथोड की जो रिएक्शन होती है तो कैथोड में क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है, तो रिडक्शन वहां पर क्या होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारा जो होता है MnO2 होता है ये अमोनियम आयन से NH4 प्लस से और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज होते हैं जो एनोड पर उनको गेन कर लिया कर लेता है और फाइनली ये चेंज हो जाता है MnO में और एक इसके साथ OH मॉलिक्यूल भी जुड़ जाता है जो बाद में फाइनली MnOH छोटा चेंज हो जाता है और ये अमोनिया रिलीज करता है और यही अमोनिया जिंक क्लोराइड जो उसमें मिलाया गया है उससे रिएक्ट कर जाती है और फाइनली सेल के लीकेज से बचाया जाता है। तो ऊपर वाली हमारी जो रिएक्शन है एनोड की ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और ये नीचे वाली रिडक्शन है हमारी कैथोड की ये रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो कई बार कहा जाता है राइट डाउन द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस इन प्राइमरी सेल, तो ये रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मरकरी सेल की। मरकरी सेल का यूज कैलकुलेटर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस जो हमारी हैंड वॉचेस होती हैं रिस्ट वॉचेस होती हैं उनमें किया जाता है और छोटा सा बटन टाइप का होता है स्टील जैकेट बाहर लगी होती है उसको स्टील जैसी ही होती है ठीक है तो उसका यूज करते हैं। तो ये मरकरी सेल है तो इस मरकरी सेल में एक किस तरह से
ये जिंक का कंटेनर होता है, ठीक है, जिंक कंटेनर, ये काम करेगा एनोड का, ठीक है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है और बीच में सिमिलर कंस्ट्रक्शन है, बस छोटा बनाया जाता है इसको, ग्रेफाइट कैथोड की तरीके यूज किया जाता है, कंटेनर होता है, इसे पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा और जिंक हमारा जो है ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। अब इसके अंदर मर्क्यूरी का ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट फल कर देते हैं और इसी जिंक कंटेनर के बीच में यहां पर एक किनारे से ही लेयर लगी होती है, वो होती है पोरस पेपर। पोरस पेपर की लेयर लगी होती है और इस तरह से हमारा जो पोरस पेपर है वो ग्रेफाइट से इसको सेपरेट करने का काम करता है जिंक से साथ और इस इलेक्ट्रोड के साथ और इसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। फाइनली हमारा ये ZnHg सेल, जिंक मरकरी सेल तैयार हो जाता है। इसको जिंक मरकरी सेल कहते हैं क्योंकि केवल जिंक इलेक्ट्रोड है और इसमें दो पेस्ट भर दिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट भर दिया जाता है और दोनों के साथ ही जो जिंक के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कॉम्पैक्शन के तरीके से काम करने लगता है। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि ऑक्सीडेशन हमारा हो रहा होता है एनोड पर, तो एनोड में जो हमारा जिंक है ये चेंज होता है Zn प्लस 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 टू इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है और वहीं पर कैथोड पर हमारा रिडक्शन हो रहा होता है, प्रोडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो फाइनली यहाँ पर जो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है HgO होता है और पेस्ट लिया गया होता है तो यहाँ पर ऑलरेडी वाटर तो प्रेजेंट होता ही होता है हमारा और ये यही दो इलेक्ट्रॉन हमारा गेन करता है और गेन करके सीधे चेंज हो जाता है मरकरी में और प्लस टू ओ एच माइनस रिलीज कर देता है, मरकरी का इस तरह से यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। तो ये हमारा हमारा मरकरी सेल होता है, जिंक मरकरी सेल, रिस्ट वॉचेस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारा, बेसिकली इम्पोर्टेंट था जिंक क्लोराइड क्यों लिया जाता है प्राइमरी सेल्स में या ड्राई सेल में, तो उसका इम्पोर्टेंट वही था कि अमोनिया की रिलीजिंग को बचाने के लिए, एवानियो एलिवेशन को बचाने के लिए उसको ऐड किया जाता है। सेकेंडरी बैटरीज, हम लोग बात करते हैं कि सेकेंडरी बैटरीज क्या है। तो सेकेंडरी बैटरीज ये हमारे एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड होते हैं और ये रिचार्जेबल होते हैं। मेन चीज क्या है, ये चीज, ये हमारे सेल हमारे रिचार्जेबल होते हैं, मीन्स इनमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो कई बार हो सकती है, उनकी कई सारी साइकिल्स होती हैं, वो होती है हमारी सेकेंडरी बैटरीज और कॉमर्शियली इनका भी यूज किया जाता है क्योंकि ये रिचार्जेबल है और आजकल हमारे पास डिफरेंट टाइप की सेकेंडरी बैटरीज अवेलेबल हैं जो आसानी से यूज हो सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस आज के हमारे मॉडर्न लाइफ में, ज्यादातर हम लोग सेकेंडरी बैटरीज का ही यूज कर रहे हैं क्योंकि तो पहली बार वेस्टेज की प्रॉब्लम जल्दी से नहीं, प्राइमरी सेल हमारे खराब होते हैं जल्दी, वेस्ट क्रिएट होता है उसका, वो भी हमारे लिए हैजार्डस वेस्ट होता है, हार्मफुल होता है और सेकेंडरी बैटरीज का जो वेस्ट निकलता है क्वांटिटी में एक तरीके से कम है और काफी लॉन्ग टाइम भी निकलता है, काफी ज्यादा एनर्जी है तो यूजेबल ज्यादा है। इस वजह से आज हमारा जो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल साइंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस है, वो ज्यादातर सेकेंडरी बैटरीज को अच्छे से और डेवलप करने में ज्यादातर अपना अटेंशन वो कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इनको डेवलप किया जा सके। तो सेकेंडरी सेल्स की बात करते हैं, तो सेकेंडरी सेल्स का जो हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, दे कैन बी रिचार्ज, दे कैन बी रिचार्ज, इनको रिचार्ज किया जा सकता है। एग्जाम्पल है इसका जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी, हमारे जो घरों में यूज होती है, निकिल कैडमियम सेल, लिथियम आयन सेल, ये हमारे सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी जो हम लोग घरों में देखते हैं, इन्वर्टर की बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी है, निकिल कैडमियम सेल एंड लिथियम आयन सेल, ये हमारे इंपॉर्टेंट सेल है।